गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैलकुलस चल रहा था। कैलकुलस में हम बताए थे कि कैलकुलस दो प्रकार की होती है, नंबर एक डिफरेंशियल कैलकुलस, दूसरा इंटीग्रल कैलकुलस। तो डिफरेंशियल कैलकुलस तो खत्म हो ही चुकी थी, दूसरा इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले इंटीग्रल कैलकुलस जानने के लिए डिफरेंशियल कैलकुलस जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है। तो इंटीग्रेशन निकालने के लिए डिफरेंशिएशन जानना अति आवश्यक है। जब तक डिफरेंशिएशन नहीं जानेंगे तब तक इंटीग्रेशन भी नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। तो हेडिंग दें इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन लिखिए, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इसका और भी एक नाम है जिसे हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता, इसीलिए इसका नाम एंटी डेरिवेटिव पड़ा। इसे इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं इसका डिफिनेशन, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन और एंटी डेरिवेटिव एग्जाम्पल के तौर पे जैसे इफ डिफरेंशिएशन एफ एक्स, यदि एफ एक्स का डिफरेंशिएशन हमें क्या मिलेगा, वो मिलेगा एफ डैश एक्स। जब एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स मिलेगा तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, एफ एक्स मिलेगा। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। जब एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स मिल रहा है तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स मिलेगा। तब देन एफ डैश एक्स इंटीग्रेशन का साइन जो होता है इस तरह से दिया जाता है। और एक बात याद रखें कि एफ डैश एक्स जो फंक्शन यहां रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट भी किया जाता है। डीएक्स बराबर हमें मिलेगा एफ एक्स। ठीक, जिस तरह से हम डीसी तो पढ़ ही चुके हैं, डीसी में हम क्या देखते थे, जब डीसी करते थे कोई भी फंक्शन का उसी के रिस्पेक्ट में डीसी होता था, उसी तरह से इंटीग्रेशन भी जो हम करेंगे तो जिस रिस्पेक्ट में डीसी होगा उसी रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन भी होता है जी। जैसे कुछ एग्जांपल के तौर पर उठाएं, जैसे इंटीग्रेशन कॉस जेड डीएक्स, यहां देख रहे हैं जेड का फंक्शन एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो नहीं सकता, क्योंकि जिस तरह से डीसी जब करते थे तो जेड का फंक्शन था तो जेड के रिस्पेक्ट में ही डीसी करते थे, उसी तरह जब एक्स का फंक्शन रहेगा एक्स के रिस्पेक्ट में ही डीसी होगा, और जेड का फंक्शन होगा तो जेड के रिस्पेक्ट में ही हम डीसी करेंगे। इसे नोट कर लें, इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल से समझे, जिस एग्जांपल ने एग्जांपल हम ले डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टू एक्स मिलेगा। तब इसका इंटीग्रेशन हमें क्या मिलेगा, तब इसका इंटीग्रेशन हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर का, सॉरी टू एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। जब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, जब इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, तो एक्स स्क्वायर होगा टू। जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले, तो जैसे डिफरेंशिएशन फाइव एक्स फोर बार डी एक्स, जब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, पांच सौ बीस एक्स क्यूब। तो जब इसका डिफरेंशिएशन हमें ये मिला तो इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, हमें ये मिलेगा, क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता। तब देन देन इंटीग्रेशन ट्वेंटी एक्स क्यूब डी एक्स, तब इक्वल टू हमें मिलेगा फाइव एक्स फोर। ये कैसे हुआ, नहीं हुआ, आगे हम जानेंगे। अभी सिर्फ यही जान रहे हैं डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। तो इस पॉइंट को थोड़ा नोट कर लें, इसके बाद हम जाते हैं। अब हम डिफरेंशिएशन जो करते थे, डिफरेंशिएशन जो करते थे, तो डिफरेंशिएशन जैसे डिफरेंशिएशन एफ एक्स बाय डी एक्स, ठीक है, हमें मिलेगा एफ डैश एक्स। तो यहां जो हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन, और ये जो हमें रिजल्ट मिला, इस रिजल्ट का नाम क्या था, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्यों, डिफरेंशिएशन कहा जाता है जो प्रोसेस से हम चलते हैं, यानी डेरिवेटिव जो निकालते हैं, जिस प्रोसेस से हम डेरिवेटिव को निकालते हैं उसे हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो उसी प्रकार इंटीग्रेशन भी, इंटीग्रेशन जैसे सॉरी एफ डैश एक्स का निकाले डी एक्स, तो जो प्रोसेस चलेगा उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जिस तरह से डिफरेंशिएशन जो हम करते, जो डेरिवेटिव निकालते थे उसका प्रोसेस जो चलता था उसको डिफरेंशिएशन करते थे, उसी तरह से इंटीग्रेशन जब करेंगे, जिस प्रोसेस से इंटीग्रेट करेंगे उस हमसे हम इंटीग्रेशन कहेंगे। और जो भी हमें प्राप्त होगा, जो जैसे मान लिया जाए इसमें प्राप्त, जब डिफरेंशिएशन इसका डिफरेंशिएशन ये होगा तो इसका इंटीग्रेशन ये आएगा, हमें एफ एक्स मिलेगा। तो यहां जो मिला हमें इंटीग्रल मिला, आई एन टी यू जी इंटीग्रल। तो इंटीग्रल जिस प्रोसेस हमें मिला उसे हम इंटीग्रेशन कहते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को भी नोट कर लें, क्योंकि इस बात को जानना जरूरी है, और एक बात इसको भी जानना जरूरी है, इसको हम किस प्रकार से पढ़ेंगे, इसको जो पढ़ेंगे इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहां भी इंटीग्रेट जो हो रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट हो रहा है, इस तरह से हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसे थोड़ा उतार लें, इसके बाद हम हो गया, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या देखा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का उल्टा होता है,
तो इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन का उल्टा होता है, तो इस बात को जान ले कि इंटीग्रेशन जो होता है वो कितने प्रकार की होती है, इस बात को भी जानना जरूरी है, और इंटीग्रेशन क्यों लाया गया है इसको भी जानना जरूरी है। हम इंटीग्रेशन क्यों निकालते हैं, इंटीग्रेशन जो निकालते हैं क्यों निकालते हैं, इस बात को भी जानना जरूरी है। लेकिन ज्यादा तो उसका हम विस्तार नहीं करेंगे, क्योंकि उसका विस्तार जब हम आगे बढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। तो अभी हम यह जान रहे हैं कि इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन का उल्टा होता है, और इंटीग्रेशन भी दो प्रकार की होती है। नंबर एक होगा इंडिफिनिट, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। दूसरा होगा डिफिनिट, डिफिनिट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन क्या है और डिफिनिट इंटीग्रेशन क्या है इसको भी जानो, और इंटीग्रेशन आने का क्या पर्पस है इस बात को भी जानना जरूरी है। उस बात को जानने के लिए हमें डिफिनिट इंटीग्रेशन में घुसना होगा। तो पहले हम इनडिफिनिट इंटीग्रेशन की ओर चलते हैं, तो हेडिंग है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन क्या है, किसी भी इंटीग्रेशन का, जब हम किसी भी फंक्शन का जब इंटीग्रेशन हम करेंगे वो हमें क्या देगा, वो उससे हमें क्या प्राप्त होगा। जैसे मान लिया जाए इंटीग्रेशन करें एक्स स्क्वायर का, इससे हमें क्या प्राप्त होगा ये जानना जरूरी है। जैसे मान लिया जाए हम इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का करेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो देखते हैं। आइए जैसे इंटीग्रेट हो, सॉरी एग्जाम्पल के तौर पे लिखिए, जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करें एक्स क्यूब का बार डी एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर डी, तो इसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा टू एक्स, तब देन तब इसका इंटीग्रेशन हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, सॉरी टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि इसका जस्ट उल्टा होता तो हमें एक्स स्क्वायर मिला। तो और भी देखते हैं, जब दूसरा एग्जांपल दें, एग्जांपल नंबर फाइव, सेकेंड डिफ्रेंसिएशन एक्स स्क्वायर प्लस बाय एक्स, इसका भी जब हम डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो हमें जो मिलेगा वो 2x ही मिलेगा, और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा, तब देन 2x इंटीग्रेशन dx हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो उसी प्रकार से हम, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट का जब भी हम टीसी करते हैं वो हमें जीरो मिलता है, तो उसी प्रकार से इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये मिलेगा, क्यों, क्योंकि इसका जब भी टीसी करेंगे तो हमें 2x ही मिलेगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, एग्जांपल नेक्स्ट लिखें 2x प्लस 2 dx, dx सॉरी डिफ्रेंसिएशन कितना था, एक्स स्क्वायर प्लस टू डी एक्स, जब इसका हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, टू एक्स ही मिलेगा, जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमें टू एक्स ही मिलेगा। तो इसी प्रकार से जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे टू एक्स का तो हमें क्या मिलेगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस टू। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमें तरह तरह का फंक्शन हमें मिल रहा, पहले एक्स स्क्वायर मिला, एक्स स्क्वायर प्लस वन मिला, एक्स स्क्वायर प्लस टू मिला, उसी तरह से एक्स स्क्वायर प्लस थ्री मिला, इन चलते चलते इंफिनिटी पर जा सकता है। तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ जो हमें मिल रहा ये सब जितना वैल्यू है हमें कॉन्स्टेंट वैल्यू मिल रहा। तो हम क्या देखें कि जब डिफ्रेंसिएशन
एफ एक्स या एफ एक्स एक काम करते हैं, इसको उतारना नहीं है, थोड़ा समझने के पर्पज से हमने थोड़ा कुछ एग्जांपल लिया। यहां से एक नंबर इसको उतारना, इसके बाद यहां इसको मिटा रहे हैं। जैसे इफ अगर डिफ्रेंसिएशन हमें एफ एक्स डी एक्स, जब एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हमें जो मिलेगा वो एफ डैश एक्स मिलेगा, तब देन तब इंटीग्रेशन हमें एफ डैश एक्स का जो मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, एफ एक्स मिलेगा। एफ एक्स एग्जाम्पल के तौर पर लिखे, जैसे उसी तरह हम उठाते हैं डिफ्रेंसिएशन एक्स स्क्वायर का जो हमें होगा एक्स के रिस्पेक्ट, तो वो हमें होगा टू एक्स। तो अब दूसरा और इसका इंटीग्रेशन हमें क्या मिलेगा, तो देन इंटीग्रेशन टू एक्स डी एक्स हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर। तब उसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल उठाते हैं डिफ्रेंसिएशन एक्स स्क्वायर प्लस, यहां से ले इफ डिफ्रेंसिएशन एफ एक्स प्लस कोई भी कॉन्स्टेंट ले सी, इसका जो ले डिफ्रेंसिएशन करेंगे हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एफ एक्स। ठीक है, क्योंकि सी का कोई भी कॉन्स्टेंट का डीसी जब भी होगा वो हमेशा जीरो होता है। ठीक है, यानी कोई भी कॉन्स्टेंट का डीसी जब भी होता है हमें जीरो मिलता है, इसीलिए एफ डैश एक्स हमें मिलेगा। अब आगे देखते हैं इसी में एग्जाम्पल, तब जैसे डिफ्रेंसिएशन एक्स स्क्वायर प्लस वन बार डी एक्स, इसका हमें क्या मिलेगा, इसका इंटीग्रेशन देखते हैं, तब देन इंटीग्रेशन टू एक्स डी एक्स मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। हम पहले दो तीन जो एग्जांपल लेकर के हमने क्या देखा कि इसका इंटीग्रेशन जब भी हो रहा है तो कांस्टेंट तरह तरह का फंक्शन आ रहा है, इसीलिए इसका जब इंटीग्रेशन हम करेंगे तो करते समय हम हमेशा प्लस सी लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहां कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ले सकते हैं। क्यों, जैसे जैसे यहां मान चेंज होते जाएगा उसी तरह इसका फंक्शन का भी मान चेंज होते जाएगा, बदलते जाएगा। तो हम पहले यहां क्या देखे, जब इसका इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन की हमको ये मिला और इसी का इंटीग्रेशन किए ये मिला, और जब दूसरा एग्जांपल में हम आते हैं तब एक्स स्क्वायर प्लस वन इसका जब डिफ्रेंसिएशन किए तो हमें जस्ट यही फंक्शन मिला, और इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमें कुछ अलग रूप में हमें दिखाई दिया। नेक्स्ट एग्जांपल और भी लेते हैं, इसे डिफ्रेंसिएशन एक्स स्क्वायर प्लस टू डी एक्स, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे हमें टू एक्स ही मिलेगा, और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तब देन टू एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे डी एक्स बराबर हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू मिलेगा। तो हम क्या देख रहे हैं, तरह तरह का एग्जांपल ले रहे हैं, कांस्टेंट का मान कितनों भी चेंज करें लेकिन डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए हम हमेशा यहां क्या लिखते हैं, सी से इंडिकेट करते हैं। जैसे कभी इंटीग्रेशन हमको सॉरी इसे उतार लें, इसके बाद इसे मिटा दें, या स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। चलो तो हम क्या देखें, इंटीग्रेशन जब 2x का करेंगे, जब हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा जैसे हमें इंटीग्रेशन जो करने के लिए देगा तो कोई भी फंक्शन देगा तो वो डिफरेंशिएशन का आंसर होगा, डिफरेंशिएशन का जो भी हमें आंसर होगा वो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होता, तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन जैसे मान लिया जाए हमें 2x मिला डी एक्स, तो हम तो यह तो नहीं जान रहे कि यहाँ 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा, जब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस सी,
सी इसलिए लिखते हैं कि यहाँ कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, ठीक है, यहाँ कोई भी कांस्टेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसको हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी बोलते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सी का मान कुछ भी हो सकता है। जिस तरह से हम देखें यहां जैसे जैसे मान बदलते गए 1, 2, 3, 4 उसी तरह उसका मान बदलते गया। तो इसका अब देखते हैं थोड़ा, इसका देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। इसका हम जब इंटीग्रेशन करते हैं तो वो हमें क्या देता है, हम क्या निकालते हैं, ठीक है, उसके ऊपर थोड़ा सा जानेंगे। जैसे जब यहां से ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है थोड़ा सा समझ लें। जैसे हम जब डिफ्रेंशिएशन करते थे एक्स स्क्वायर डीएक्स तो हमें मिला 2x, तो इसी का जब इंटीग्रेशन करेंगे इंटीग्रेशन 2x dx का करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस सी हमें मिलेगा। जब एक्स स्क्वायर प्लस सी मिला तो यहां कुछ भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि हमें इस डिफ्रेंशिएशन का आंसर दिया हुआ रहेगा, हम ये नहीं जानेंगे कि यहां क्या था या नहीं था। वन भी हो सकता था कांस्टेंट में जुड़ा हुआ, वन भी हो सकता था, टू भी हो सकता था, थ्री भी हो सकता, कुछ भी हो सकता, इसीलिए हम यहां सी लेंगे। जब कुछ नहीं होगा जुड़ा हुआ तो जीरो तो जुड़ा होगा, क्योंकि जीरो किसी फंक्शन में जोड़ दे या घटा दे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई फंक्शन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम यहां क्या देखें कि जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस सी हमें मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी मिलेगा, तो सी जो है क्या इंडिकेट करता है थोड़ा समझ। जब जैसे सी का वैल्यू हम जैसे जैसे पुट करेंगे, जब हम मान लें वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस सी, जब सी का वैल्यू हम जीरो भी रख सकते हैं, वन भी रख सकते हैं, टू भी रख सकते हैं, थ्री भी डॉट इंफिनिटिव तक रख सकते हैं, क्योंकि सी का मान जैसे जैसे हम चेंज करेंगे इस फंक्शन का मान बदलता जाएगा। एग्जाम्पल इंटीग्रेशन 2x का हमें मिला था एक्स स्क्वायर प्लस सी, सी के जगह कुछ भी हो सकता वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस सी, सी बराबर 1, 2, 3, 0, 4 कुछ भी हो सकता था, इंफिनिटी तक हो सकता था, कुछ भी हो सकता। जब तब हम जब इसका ग्राफ खींचेंगे, जब ग्राफ खींचेंगे देखते हैं, जब हम ग्राफ खींचेंगे तो इसका हमें ग्राफ क्या मिलेगा, जब सी का मान हम जीरो रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जैसे c का मान हम जीरो रखेंगे तो हमें मिलेगा y बराबर x स्क्वायर, y बराबर x स्क्वायर हमें मिलेगा। तब उस अवस्था में ये y एक्सिस एक्सिस तो हमें जो ग्राफ मिलेगा ये हमें इस तरह से मिलेगा, ये हमें मिला y बराबर x स्क्वायर। दूसरा हम लेते हैं, जब c का मान हम 1 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन, यानी वाई अब एक्स स्क्वायर प्लस वन जो मिला, यानी एक्स का मान हम जीरो रखेंगे, एक्स का मान हम आगे नहीं बढ़ेंगे जीरो रखेंगे, तो वाई का मान कितना मिलेगा, वन, मान लिया जाए वन हमें यहां मिल रहा है। तो इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरह से
इस तरह से मिलेगा, तो इस फंक्शन का नाम हो वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, जब सी का मान माइनस वन रखे, सी का मान माइनस वन रखे तो वाई बराबर हमें क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। तब माइनस वन तो नीचे आएगा, माइनस वन जब नीचे आएगा, जब एक्स बराबर जीरो रखेगी तो वाई बराबर जीरो, जीरो जीरो यहाँ आएगा, जब जीरो जीरो यहाँ आएगा एक बिंदु हमें यहाँ मिलेगा, ठीक है, एक बिंदु यहाँ मिलेगा। तब एक्स का मान वन रखेंगे, एक्स का मान वन रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स का मान जब वन रखेंगे तो वन माइनस वन वाई बराबर जीरो। एक्स का मान, एक्स का मान हम प्लस वन रखें तो वाई बराबर हमें जीरो मिलेगा। उस तरह जब ग्राफ हम खींचेंगे तो हमें इस तरह से फंक्शन मिलेगा। तो ये जो हमें मिला, ये मिला वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये मिला। तो हमने क्या देखा कि कोई भी फंक्शन का चाहे इंटीग्रेशन करके सी का मान जब चेंज करते जा रहे हैं तो उसी तरह से हमारा ग्राफ जो हमें मिल रहा इन्फिनिटी तक इस तरह से मिलते जाएगा। थोड़ा सा एक मिनट, तो हमने अभी क्या देखा कि जिस तरह से सी का मान वन टू थ्री फोर हम लेते गए उसी तरह से हम मेरा ग्राफ जो है आगे बढ़ते गया। तो हम देख रहे हैं जितना मान चेंज करते जाएंगे इस तरह से हमें मिलता जाएगा। तो इतना हम ज्यादा तो लेंगे नहीं, क्योंकि लेंगे पूरा हमें बोझ भर जाएगा, फिर भी नहीं। इसको थोड़ा सा उतार दें क्योंकि ये भी जानना जरूरी था कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो होता है वो क्या होता है। तो हमने क्या देखा कि कोई भी फंक्शन का इंटीग्रेशन जब करते हैं तो वो हमें कर्व देता है, और कर्व कितना देता है वो फैमिली यानी पूरे परिवार का कर्व देता है। इसे एक कर्व हमें नहीं मिला, यहाँ जब देख रहे हैं तो और भी सारा कर्व मिल सकता है, और भी कर्व मिल सकता है। तो हम इसको क्या कहें, इसे फैमिली ऑफ कर्व भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को भी हमेशा याद रखेंगे कि जब कोई पूछ दे कि इंटीग्रेशन जब करते हैं, यानी जब इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन हमने जस्ट बताया था इंटीग्रेशन दो प्रकार की होती है, एक इंडिफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा डिफिनिट इंटीग्रेशन। जब कोई पूछ दे कि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन करने के बाद वो हमें क्या देता है, तो हम क्या समझें, हमने अभी जस्ट देखा कि इंटीग्रेशन करने के बाद वो हमें फाइनली ऑफ कर दिया, ठीक है, क्योंकि एक ही कर्व हमें नहीं मिल रहा, पूरे एक कर्व का एक परिवार मिल रहा है, पूरा सेट मिल रहा है। तो हम यह देख रहे हैं कि कोई भी फंक्शन का जब इंडिफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे तो फाइनली ऑफ कर्व हमें देगा, ठीक है, ठीक है। इस पॉइंट को थोड़ा नोट कर लें, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मिटा दें। तो दूसरा था, ये तो हो गया इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, और दूसरा था डिफिनिट इंटीग्रेशन। डिफिनिट इंटीग्रेशन डिफिनिट इंटीग्रेशन, तो हमने क्या देखा कि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में कोई भी फंक्शन का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हमें फैमिली ऑफ कर्व देगा। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन हम जब करेंगे तो वो हमें क्या देगा, तो इस बात को जान लें, इसका चर्चा हम आगे विस्तार से करेंगे। तत्काल ये जान लें कि इंटीग्रेशन जो लाया गया, इंटीग्रेशन क्यों लाया, आखिर इंटीग्रेशन लाने का कुछ ना कुछ तो पर्पस होगा, इंटीग्रेशन जो लाया गया क्यों लाया गया, आखिर उसका प्रयोग किस में करेंगे। तो तत्काल ये समझ लें कि इंटीग्रेशन का जो प्रयोग करेंगे वो हमें एरिया निकालने में काम आएगा। जैसे कोई हम ग्राफ लें एक्स वाई, अगर हम यहां दे दें
ठीक है, यहां से इस तरह से हम खींच दे और बोले कि इस बाउंडेज का हमें एरिया चाहिए, तो हम देख रहे कि ये किसी भी शकल का नहीं है, क्योंकि ये किसी भी शकल का नहीं, हम कहें ना ही ये आयत है, ना ही ये रेक्टेंगल है, ना ही ये सर्किल है, ये किसी भी शकल का नहीं है, तो इसका एरिया हम नहीं निकाल पाएंगे। तो इसी को एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन लॉ, ये आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे, इसका चर्चा हम अभी नहीं कर रहे हैं, अभी हम यही देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन क्या होता है और इंटीग्रेशन को लाने का क्या पर्पस था और इंटीग्रेशन हम क्यों बनाते हैं। सिर्फ हमने यही देखा कि इंटीग्रेशन जो बनाते हैं वो किसी भी घिरे हुए क्षेत्र का हम एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन निकालते हैं, और डेफिनेट इंटीग्रेशन करता है वो हमें एक तरह से कॉन्स्टेंट वैल्यू भी देता है। कॉन्स्टेंट वैल्यू हमें क्या मिला, एक एरिया मिला, और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जब निकालेंगे वो हमें वेरिएबल वैल्यू देता है, वो कॉन्स्टेंट वैल्यू नहीं देता। इसीलिए तो आगे देखते हैं, हमने जस्ट अभी सीखा कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता, तो हम कुछ एग्जांपल हम उठा रहे हैं, एग्जांपल डिफरेंशिएशन जैसे ए टू द पावर एन प्लस वन बाय सॉरी एन प्लस वन बाय डीएक्स, जब इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे सॉरी डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हम देखते हैं कि इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा एन प्लस वन ए एन प्लस वन माइनस वन बार एन प्लस वन, क्योंकि एन प्लस वन बाहर जाएगा, इसका जब डीसी करेंगे ए टू द पावर एन के रूप में तो हमें ये दोनों फंक्शन कटेगा, वन वन कटेगा, तो हमें मिलेगा ए टू द पावर एन। यानी अब इसका जब डिफरेंशिएशन हमें ए टू द पावर एन मिला तो इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, यानी इसका इंटीग्रेशन जो मिलेगा यानी ए टू द पावर एन डी एक्स, इसका जो इंटीग्रेशन मिलेगा ए एन प्लस वन एन प्लस वन हमें मिलेगा इस प्रकार से। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें, जैसे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम करते हैं, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो इसी प्रकार से हमें टूटेगा, तो टूटेगा तो हमें क्या मिलेगा, यानी इसका इंटीग्रेशन हमें क्या मिलता एन प्लस वन बटे एन प्लस वन। तो यहां देखें तो एक्स टू प्लस वन और यहां भी टू प्लस वन, और हम बताए थे कि प्लस सी जोड़ना अनिवार्य, क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि यहां कोई भी कांस्टेंट वैल्यू जुड़ा हो सकता है, क्योंकि वो जब भी हमें देगा वो फैमिली ऑफ कर्व हमें देगा, ठीक है, इसीलिए हम सी यहां जोड़ते हैं। तो हमें क्या मिला एक्स क्यू बाय थ्री प्लस सी, हमें ये मिला। अब ये जो हमें मिला ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, क्योंकि इंटीग्रेशन जब भी बनाते हैं वो इंटीग्रल जो भी हमें वैल्यू देता है डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन होता है, और जब डिफरेंशिएशन का जो भी आंसर होगा वो इंटीग्रल का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो हमने ये क्या देखा कि जब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे सॉरी डिफरेंशिएशन करेंगे ए टू द पावर एन मिलेगा, और इसी का इंटीग्रेशन करेंगे तो इतना मिलेगा। तो हम यह देख रहे हैं कि जितना भी फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में याद किया तो उस फॉर्मूला को बढ़िया से एक बार रिपीट कर ले, क्योंकि बढ़िया से याद कर ले, क्योंकि इंटीग्रेशन जो होगा डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होगा, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद करना जरूरी नहीं है, क्योंकि जब डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हमें पता है तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद करना जरूरी है। हम आगे देख रहे हैं, जैसे जब दूसरा लेते हैं, जैसे एग्जांपल डिफरेंशिएशन साइन एक्स
जब साइन एक्स का डीसी करेंगे डीएक्स तो हमें मिलेगा कॉस एक्स, जब साइन एक्स का हम डीसी करेंगे तो हमें मिलेगा कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हमें क्या मिलेगा, तब देन इंटीग्रेशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हमें मिलेगा साइन एक्स, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है, जब साइन एक्स का डीसी हमें कॉस एक्स मिला तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स मिलेगा। तो उसी प्रकार से हम देख दूसरा ले जैसे टेन, सॉरी डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन टेन एक्स बार डीएक्स, जब टेन एक्स का डीसी करेंगे तो हमें मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स, तब जब टेन एक्स का डीसी सेक स्क्वायर एक्स मिला तो हम याद देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन जो होगा डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता, तब इंटीग्रेशन जो हमें मिलेगा देन इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन हमें मिलेगा सॉरी डी एक्स लिखे इसके बाद टेन एक्स मिलेगा। तो हमने इस तरह से क्या देखा कि डिफरेंशिएशन का यदि फॉर्मूला हमें मालूम हो तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमें पता चल जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। ठीक है, जैसे हम दूसरा एग्जांपल उठाते हैं, जैसे हम दूसरा एग्जांपल उठाते हैं, जैसे एग्जांपल लिखे डिफरेंशिएशन वन बार एक्स बार, जब इसका हम डीसी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जब इसका हम डीसी करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस वन बार एक्स स्क्वायर। अब हम क्या देखते हैं, जब इसी का इंटीग्रेशन हम करें, क्योंकि डिफरेंशिएशन का जो भी हमें रिजल्ट मिला डेरिवेटिव मिला वो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होगा, जब इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होगा तब देन इंटीग्रेशन वन बार एक्स स्क्वायर, जब वन बार एक्स स्क्वायर का हम इंटीग्रेशन करें माइनस इस पर लेके आए तो हमें क्या मिलेगा डीएक्स बराबर हमें मिलेगा माइनस वन बाय एक्स। उसी प्रकार से दूसरा लेते हैं एग्जांपल, जैसे डिफरेंशिएशन रूट एक्स, ठीक है, जब रूट एक्स का डीसी निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा वन बाय टू रूट एक्स, जब हमें रूट एक्स का डीसी वन बाय टू रूट एक्स मिला तब देन तब वन बाय इंटीग्रेशन वन बाय रूट एक्स वन बाय रूट एक्स डीएक्स, जब वन बाय रूट एक्स का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो टू इधर चला आएगा, इसके बाद हमें मिलेगा टू रूट एक्स। ये एक बात याद रखना, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इधर आता नहीं है, लेकिन हम जब यहाँ पूरा रख करके कुछ करेंगे तो हमें इतना मिलेगा। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, कल से आगे। ठीक है।